और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोबेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामचंद्र भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। मुंगेली जिला के सेतगंगा थाना क्षेत्र के समीप ग्राम पंचायत डोडा में पानी की किल्लत इस तरह छाई हुई है कि ग्रामीण पानी के एक एक बूंद के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। 7 महीना से बिगड़ी हुई हैंडपंप जो कि अभी तक नहीं बना, जिसके कारण ग्रामीणों को लगभग 1 किलोमीटर पैदल जाकर पानी लाना पड़ रहा है। आसपास में ट्यूबवेल न होने की वजह से महिलाओं को काफी दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। इसकी सूचना ग्राम पंचायत के सरपंच निर्मला नट को दिया गया, परंतु सरपंच के द्वारा इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते ग्रामवासियों ने पानी की समस्या को लेकर सरपंच से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरपंच ग्रामवासियों को गोल मटोल जवाब देते हुए घुमा रहा है। 7 महीनों से बिगड़ी पड़ी हुई ट्यूबवेल की पूरी तरह से खराब हो चुका है, सरपंच उसे बनवाने को इनकार कर रहा है। गांव की महिलाओं ने बताया कि सरपंच अपने घर के सामने 3 बोर करा चुका है, जबकि उनके घर के सामने 4 से 5 घर हैं। और ग्रामीणों ने बताया कि हमारा मोहल्ला काफी बड़ा है, यहां पर पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है, न नहाने के लिए तालाब में पानी डाला गया है और न ही पीने की कोई व्यवस्था किया गया है। ऐसे में ग्रामवासियों का कहना है कि हम कहां से पानी लाते हैं यह हम ही जानते हैं, सरपंच साहब तो अपने मन का कर रहा है, हमारी कोई बात नहीं सुनता। मुगेली से पोखराज खांडे की रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।